खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान की उपशाखा पिसांगन पंचायत समिति ब्लॉक के कनिष्ठ सहायकों ने गुरुवार को विकास अधिकारी गौतम राम चौधरी और प्रधान अशोक सिंह रावत को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा की है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान के उपशाखा पिसांगन के ब्लॉक अध्यक्ष साबिर काठात और उपाध्यक्ष रामावतार सिंह के नेतृत्व में पिसांगन पंचायत समिति ब्लॉक के कनिष्ठ सहायकों ने विकास अधिकारी गौतम राम चौधरी और प्रधान अशोक सिंह रावत को एक ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया। संगठन के प्रस्तावित कार्यक्रम 24 मई से पंचायती राज संस्थाओं के समस्त कार्यों के बहिष्कार के क्रम में नरसंगिक न्याय से वंचित पंचायती राज संस्थाओं में पदस्थापित मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर संगठन की मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने से शुभ प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा 18 मई 2018 से संविदा कर्मियों के साथ मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्यों का बहिष्कार किया हुआ है। संगठन के आह्वान पर गुरुवार से ही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम दिया गया था, लेकिन अब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं के समस्त मंत्रालय कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।